आखिर कहाँ गायब थे हनी सिंह? अगर आप अपनी सिंगिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी सिंगिंग पर फीडबैक लेना चाहते हैं, तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर रेट माई सिंगिंग ऐप जरूर डाउनलोड करें। तो आखिर हनी सिंह के करियर पर ब्रेक क्यों लगा? क्या शाहरुख खान से उनके झगड़े के बाद, जिसमें SRK ने उनको थप्पड़ तक मार दिया था, उनको मूवीज में सॉन्ग्स मिलनी बंद हो गई? या फिर क्या रफ्तार वर्सेस यो-यो के बैटल में रफ्तार उनसे आगे निकल गए? नमस्कार दोस्तों, विशिंग ऑल माय व्यूअर्स अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मैं हूं शुभम चक्रवर्ती और इस साल के अपने पहले वीडियो में मैं बात करूंगा इंडिया के सबसे पॉपुलर रैप आर्टिस्ट में से एक हनी सिंह की। 2011 और 12 में ब्राउन रंग, डोप शोप और हाई हील्स जैसे हिट सिंगल्स देने के बाद बॉलीवुड में अपने कई पार्टी सॉन्ग्स जैसे मैं शराबी, पार्टी ऑन माय माइंड, सनी सनी, चार बोतल वोडका जैसे ब्लॉकबस्टर गाने रिलीज करके हनी सिंह उस वक्त के सबसे बड़े सुपरस्टार बन चुके थे। YouTube पर उनके वीडियोस ट्रेंडिंग चार्ट्स पर छाए हुए थे और किसी भी मूवी के लिए सॉन्ग्स बनाने के उनके खुद के चार्जेस बाकी किसी भी सिंगर या आर्टिस्ट से ज्यादा हो चुके थे। मगर 2014 के बाद हनी सिंह जैसे म्यूजिक इंडस्ट्री से गायब ही हो गए। 2015 और 16 में हनी सिंह ने मात्र 4 गाने रिलीज किए। तो आखिर ऐसा क्या हुआ उनके साथ जिसके कारण हनी सिंह को इंडस्ट्री से दूर जाना पड़ा? दोस्तों, कारण थी उनकी ड्रग एडिक्शन और ड्रिंकिंग। ग्लैमर वर्ल्ड की अंधेरी गलियों में फंस चुके थे हनी सिंह। ड्रग्स और अल्कोहल का नशा इतना ज्यादा हो चुका था कि उनको रिहैबिलिटेशन में जाना पड़ा। हनी सिंह बाइपोलर डिसऑर्डर के शिकार हो चुके थे, जिसमें इंसान की मेंटल स्टेबिलिटी बिगड़ जाती है। ना तो वो ठीक से कुछ सोच पाता है और ना ही कर पाता है। हनी सिंह अपने अपार्टमेंट में बंद रहते थे और दिन भर में मुश्किल से सिर्फ 3-4 लोगों से ही मिलते थे। ये वक्त उनकी जिंदगी का बहुत ही मुश्किल वक्त था, लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी उन्होंने म्यूजिक से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा। 2015 में उन्होंने अपना सिंगल धीरे धीरे रिलीज किया, जो कि फिर से ट्रेंडिंग हो गई। अपने इस बीमारी से बाहर निकलने में उनको करीब 18 महीने लग गए। हनी सिंह दोबारा पॉपुलर तभी हुए जब 2017 में उनका गाना दिल चोरी साड्डा हो गया रिलीज हुआ। लेकिन हनी सिंह की गैर मौजूदगी में बादशाह और रफ्तार जैसे रैपर्स ने बॉलीवुड पर अपनी धाक जमा ली थी, जिसके कारण हनी सिंह का कमबैक इतना भी आसान नहीं था। फाइनली 2018 के आखिरी महीने में हनी सिंह की नई ट्रैक मखना रिलीज की गई, जिसने एक हफ्ते में ही 65 मिलियन व्यूज से भी ज्यादा कलेक्ट कर लिए हैं। हनी सिंह के फैंस वापस उन्हीं दिनों का इंतजार कर रहे हैं जब उनके गाने देश की हर पार्टी और इवेंट में बजाए जाते थे। We wish him a speedy recovery and hope that he has a great comeback to the music industry. Thank you so much. इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि वो कौन सी कहानी है जो आप मुझसे अगली बार सुनना चाहते हैं। Till then, keep singing and stay musical. धन्यवाद।